हेलो दोस्तों, नमस्कार। अड्डा 24 में आपका स्वागत है। कल एक खबर आई थी कि बिहार में 60,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के बारे में चर्चाएं थी, तो उसी के बारे में कुछ आपसे बात कर लेते हैं। यही खबर है आपका, बिहार में 60,000 पुलिस कर्मी की जल्द होगी बहाली। इस संबंध में क्या आगे विशेष बात है, इसमें पढ़िए। सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा है, यहाँ से पढ़िए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जबकि बिहार में 1,40,000 पुलिसकर्मी चाहिए, जबकि वर्तमान में 80,000 पुलिसकर्मी है। अर्थात यह है कि 1,40,000 पुलिसकर्मी की ज़रूरत है, जिसमें से 80,000 भर्तियां और जिस भी प्रक्रिया से नियुक्ति हुई है 80,000 हो चुकी है, जिसमें से और 60,000 इनको लेना है। तो अब बातें आगे और भी हैं विस्तार से। ये कल जो वहाँ पे समारोह हुआ था नालंदा में, आपका राजगीर के कैंपस में जो समारोह हुआ था 2018 पास आउट बिहार दरोगा, उसी में इन्होंने घोषणा कर दिया। अब मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा किया है तो बात तो सही होंगी, गलत नहीं है। और ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ का, इस लाइन को पढ़िए, 60,000 जल्द बहाल किए जाएंगे। तो जल्द का मतलब है इसी साल, इस साल, अगले साल की बात तो नहीं हो सकती है, जल्द का मतलब इस साल में ये प्रक्रिया कुछ शुरू होगी। और देखिए, एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा कि फेक न्यूज टाइप का, नहीं फेक नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, ये न्यूज 18 हिंदी और मैं ई वर्जन यूज कर रहा हूँ अखबार का। कुछ लोग अखबार दिखाते हैं तो मैं अखबार नहीं दिखा रहा हूँ, ये ई वर्ज़न है न्यूज़पेपर का, तो मैं ई वर्ज़न पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो सकता है, हो क्या सकता है, कंफर्म है कि इसमें आपका सिपाही की भर्ती तो आएगी ही, सिपाही की भर्ती रहेगी इसमें जो आएगी। ये 60,000 जो बात है, 60,000 एक बार में आएगा नहीं। मान लीजिए आपको कि 10,000 सिपाही की भर्ती रहेगी और इसमें बिहार SI भी होगा, ये आप तय रहें कि इसमें बिहार SI होगा। और जो जिस कभी कभी आपने YouTube पे सुना होगा कि एक बिहार SI भर्ती की बात आती है हमेशा, 2275 इसकी बात आती है, या तो 2300 इसकी बात आती है, ये दो भर्ती, तो दो भर्ती नहीं एक ही भर्ती है, तो 2275 या 2300 भर्ती इस 60,000 के अंदर में आएगी। तो ये प्रक्रिया जो है आपका 22 में आ सकता है, ये 2022 में आपको दरोगा का भर्ती फिर से आ सकता है, ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा सीएम साहब ने कहा है कि पुलिस की भर्ती होगी, अब पुलिस की भर्ती होगी तो सिर्फ कांस्टेबल की तो ज़रूरत नहीं है, कांस्टेबल के साथ में बिहार दरोगा की भी ज़रूरत है, तो बिहार दरोगा भी आएंगे। और कारण ये है बिहार दरोगा को नोटिस करने का कि जहाँ से इन्होंने ये बात कही है, ये कैंपस बिहार दरोगा और DSP के लिए जाना जाता है, तो जहाँ से जिस मंच का प्रयोग किया है मुख्यमंत्री साहब ने, तो दरोगा का ही मंच इन्होंने उपयोग किया है। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार दरोगा की भर्ती 2022 में एक और आने वाली है। तो जो लोग 2213 जो अभी चल रहा है आपका, इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो लगे रहें। और जो लोग नए हैं, जिनका ग्रेजुएशन उस टाइम नहीं हुआ था तो नहीं फॉर्म फिल कर पाए और अब करना चाहते हैं, तो अब आप लोग भी 22 में तैयार रहिए। आप लोग को दिख सकता है यहाँ पे बिहार दरोगा की भर्ती और आएगा, क्योंकि ये अगर किसी आयोग के किसी छोटे मोटे अधिकारी ने या कोई बाहरी आदमी ने नहीं कहा है, सीधा नीतीश कुमार साहब ने कहा है। और यहाँ इस वर्ड को ज़्यादा मैं थोड़ा सा लाइटली ले रहा हूँ कि जल्द होगी, ये जो बात हो रही है यहाँ पे जल्द होने की, इस वजह से। और एक दो न्यूज़ नहीं है यहाँ पे, एक न्यूज़ तो मैंने इसको उठाया था यहाँ पे, ये था यहाँ पे, और एक न्यूज़ यहाँ भी है यहाँ पे। तो कंफर्म हो जाइए कि आपकी भर्ती 2022 में कांस्टेबल की आएगी और बिहार दरोगा की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और ये एक प्रकार का ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, आयोग ने नहीं दिया है, लेकिन नीतीश कुमार साहब के अंदर ही सब कुछ है ना, आयोग सब कुछ तो इन्हीं का है, तो भर्ती आएगी। तो ये कंफर्म करना था, कुछ लड़के पूछ रहे थे क्या सच है नहीं है, तो बस आना पड़ गया थोड़ा सा। तो पढ़िए मन लगाकर, बहुत कुछ हो सकता है अगर आप सही से, सही दिशा में सही तरीके से रहेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।